भावादणु मनः, उसके अर्थात विभुत्व के अभाव से मन अणु है। इस प्रकार द्रव्य नौ ही है, यद्यपि तम काले रंग का और चलता हुआ प्रतीत होता है, तथापि वस्तुतः वह कोई द्रव्य नहीं। प्रकाश का अभाव ही तम है, प्रकाश के न होने से न दिखना ही उसमें कालापन है। यदि वास्तव में उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाश के साथ दिखता। जो चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में वह अंधेरा नहीं चलता, किंतु प्रकाश के आगे आगे चलने से अंधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुष के चलने से छाया चलती हुई प्रतीत होती है। 24 गुण। गुण 24 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। पहला, रूप। रूप श्वेत, नीला, पीला आदि कई प्रकार का है। यह नेत्र से ग्राह्य है। पृथ्वी, जल और अग्नि में द्रव्य आदि का प्रत्यक्ष कराने वाला है। दो, रस। रस मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय भेद से 6 प्रकार का है। यह रस नेंद्रिय से ग्राह्य है। 3, गंध। गंध सुगंध और दुर्गंध भेद से 2 प्रकार का है और घ्राणेंद्रिय से ग्राह्य है। यह केवल पृथ्वी में रहती है। 4, स्पर्श। स्पर्श 3 प्रकार का है, शीत, उष्ण, अनुष्णा शीत। यह त्वगिंद्रिय से ग्राह्य है और पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श, पृथ्वी में ये 4 गुण हैं। जल में गंध नहीं, शेष 3 हैं। अग्नि में गंध और रस नहीं, शेष 2 हैं। और वायु में रूप भी नहीं, केवल स्पर्श है। 5, संख्या। वह 1 है, 2 है इत्यादि व्यवहार का हेतु संख्या है। संख्या एक द्रव्य के आश्रय भी है, जैसे यह एक वृक्ष है और अनेक द्रव्यों के भी, जैसे ये 2 वृक्ष हैं। एकत्व संख्या नित्य द्रव्यों में नित्य है, क्योंकि नित्य द्रव्यों के सदा बने रहने से एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती है। अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है, क्योंकि उनके उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होती है और उनके नाश होने के साथ नष्ट हो जाती है। एक में एकत्व संख्या तो सदा ही होती है, किंतु द्वित्व त्रित्वादी संख्या सदा नहीं होती। वह तब उत्पन्न होती है जब हम अलग-अलग 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा मिलाकर कहना चाहते हैं कि ये 2 है अथवा 3 है इत्यादि। द्वित्व त्रित्वादी संख्या अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है और अपेक्षा बुद्धि के नाश होने पर नाश हो जाती हैं। इसलिए यह अनित्य होती हैं। यह द्वित्वादी संख्या व्यासज्य वृत्ति कहलाती है, क्योंकि वह अपने आश्रय भूत वस्तुओं में सब में एक ही है, अलग-अलग नहीं। संख्या नित्य, अनित्य, मूर्त अमूर्त सारे द्रव्यों में रहती है। 6, परिमाण। यह इतना है, इस व्यवहार का हेतु परिमाण है। परिमाण 4 प्रकार का होता है, अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और हस्वत्व। ये परिमाण एक दूसरे की अपेक्षा से कहे जाते हैं। एक वस्तु को उससे बड़ी वस्तु की अपेक्षा से अणु या हस्व कहा जाता है और छोटी की अपेक्षा से महत या दीर्घ। प्रमाणुओं में अणुत्व और हस्वत्व तथा आकाश आदि विभू द्रव्यों में महत्व और दीर्घत्व मुख्य हैं। परिमाण भी नित्य, अनित्य, मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों का धर्म है। 7, पृथकत्व। यह इससे पृथक है, इस व्यवहार का हेतु पृथकत्व है। यह भी सब द्रव्यों का धर्म है। संख्यावत एक पृथकत्व
नित्य द्रव्यों में नित्य होता है और अनित्यों में अनित्य, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश आवश्यक है। 8. संयोग, यह संयुक्त है, इस प्रतीति का निमित्त संयोग है। यह तीन प्रकार का होता है, अन्यत्र कर्मज अर्थात संयुक्त होने वाले दो पदार्थों में से एक के कर्म से उत्पन्न होने वाला, जैसे शयन पक्षी और पर्वत का संयोग, उभय कर्मज अर्थात दोनों के कर्म से उत्पन्न होने वाला, जैसे दो मेंढों का संयोग, संयोगज अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाला, जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग। इनमें अन्यत्र कर्मज और उभय कर्मज संयोग भी दो प्रकार का होता है, अभिघात शब्द का हेतु संयोग और नोदन अहेतु संयोग। संयोग सब द्रव्यों में रहता है और अनित्य होता है, क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में भी नया ही उत्पन्न होता है। हर एक संयोग अव्याप्य वृत्ति होता है, अर्थात जो संयुक्त है उनके सारे स्वरूप में संयोग नहीं होता, किंतु किसी एक या किन्हीं एक प्रदेशों के साथ होता है। 9. विभाग, संयोग का नाशक गुण विभाग है, संयोगवत यह भी तीन प्रकार का है। अन्यतर कर्मज, जैसे शयन पक्षी के उड़ जाने से शयन और पर्वत का विभाग, उभय कर्मज, जैसे दो मेढ़ों के परस्पर पीछे हटने से मेढ़ों का विभाग, और विभागज, जैसे हाथ और पुस्तक के अलग हो जाने से शरीर और पुस्तक का विभाग। 10 और 11 परत्व अपरत्व, यह परे है, यह वरे है, इस व्यवहार के निमित्त गुण परत्व और अपरत्व हैं। ये दो प्रकार के हैं, देशिक और कालिक। देशिक दिशा से किए हुए अर्थात दूर निकट की अपेक्षा से जैसे वह वस्तु इससे परे है, यह वरे है, और कालिक काल से किए हुए अर्थात आयु की अपेक्षा से जैसे वह पर है, बड़ा है, और यह अपर है, छोटा है। देशिक और कालिक सारे परत्व और अपरत्व अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और अपेक्षा बुद्धि के नाश से नष्ट होते हैं। कालिक परत्व और अपरत्व अनित्यों के धर्म हैं, नित्यों के नहीं। देशिक परत्व और अपरत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन के धर्म हैं, विभू के नहीं होते। 12. गुरुत्व, गिरने का निमित्त गुरुत्व है, यह जल और पृथ्वी में रहता है। वायु में गुरुत्व की प्रतीति पार्थिव और जलीय परमाणुओं के संयोग से होती है। गुरुत्व नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य है। 13. द्रवत्व, यह बहने में निमित्त है, वह दो प्रकार का है, स्वाभाविक जैसे जल में और नैमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओं में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है। द्रवत्व भी नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है। 14. स्नेह, स्नेह जल का विशेष गुण है, बिखरे हुए कणों को मिलाने का हेतु है, यह नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है। 15. शब्द, यह आकाश का गुण है, श्रोत्र ग्राह्य है और दो प्रकार का है, ध्वनि स्वरूप जैसा मृदंग आदि में होता है और वर्ण स्वरूप जैसा मनुष्यों की भाषा में। 16. बुद्धि, बुद्धि ज्ञान का नाम है, यह केवल जीवात्मा का गुण है, इसके दो भेद हैं, अनुभव नया ज्ञान और स्मृति पिछले जाने हुए का स्मरण। अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ सच्चा जिसको प्रमा एवं विद्या कहते हैं, इसके तीन भेद प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण के प्रसंग में बतलाए जाएंगे। अयथार्थ मिथ्या जिसको अप्रमा या अविद्या कहते हैं, इसके दो भेद संशय और विप्रय को भी अलग बतलाया जाएगा। सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप
तथा बुद्धि को तीनों गुणों का प्रथम विषय परिणाम माना है, जो सत्व में रज केवल क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को केवल रोकने मात्र है। सत्व के प्रकाश और आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में अत्यंत विलक्षणता है, फिर भी बुद्धि में सत्व की स्वच्छता एवं निर्मलता के कारण आत्मा के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता है। यह आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित हुई बुद्धि किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकार के यथार्थ और अयथार्थ आकारों में परिणत होती रहती है। यह ज्ञान तथा अज्ञान का परिणाम बुद्धि में ही होता है, इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धि के ही धर्म माने गए हैं, किंतु बुद्धि जड़ है, इसलिए उसको इस ज्ञान और अज्ञान का बोध नहीं होता। उसका बोध आत्मा को होता है, क्योंकि बुद्धि में वृत्ति रूप से यह नाना प्रकार का ज्ञान और अज्ञान का परिणाम उसी के ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है। इसलिए आत्मा को बुद्धि की वृत्तियों का दृष्टा होता हुआ भी कूटस्थ नित्य ही माना जाता है। बुद्धि को आत्मा के साथ सम्मिलित करने से शबल अर्थात मिश्रित आत्मा की संज्ञा जीव होती है। इसलिए बुद्धि के धर्म ज्ञान आदिक वैशेषिक में जीवात्मा के गुण बतलाए गए हैं। कई समालोचकों को बुद्धि और आत्मा में विवेक पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह भ्रम हुआ है कि बुद्धि के अलग हो जाने से वैशेषिक का आत्मा एक जड़ द्रव्य रह जाता है। उनको जानना चाहिए कि बुद्धि की वृत्तियों का दृष्टा न रहते हुए भी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप से च्युत नहीं होता है, किंतु बुद्धि के जो विकार आदि उसमें आरोपित किए जाते हैं उनका भी बाध हो जाता है। 17. सुख। सुख इष्ट विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और सदा अनुकूल स्वभाव होता है। अतीत विषयों में उनकी स्मृति से और अनागत विषयों में उनके संकल्प से होता है। सुख में मुख और नेत्र खिल जाते हैं। विज्ञानियों को जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्प के बिना सुख होता है, वह विद्या, शांति, संतोष और धर्म विशेष से होता है। 18. दुख। यह इष्ट के वियोग या अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और सदा प्रतिकूल स्वभाव होता है। अतीत विषयों में स्मृति जन्य और अनागत विषयों में संकल्प जन्य होता है। दुख में मुख मुरझा जाता है और दीनता आ जाती है। 19. इच्छा। अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना इच्छा है, किसी वस्तु को इष्ट साधक या अनिष्ट निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है। इच्छा दो प्रकार की होती है, फल की इच्छा और उपाय की इच्छा। फल सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है और सब उसके साक्षात और परंपरा से उपाय हैं। 20. द्वेष। प्रज्वलन स्वरूप द्वेष है, यह प्रयत्न स्मृति धर्म और अधर्म का हेतु है, अर्थात द्वेष से मारने या जीतने का प्रयत्न होता है। जिससे द्वेष होता है उसकी बार बार स्मृति होती है। दुष्टों से द्वेष में धर्म और श्रेष्ठों में द्वेष से अधर्म होता है। क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्ष ये द्वेष के भेद हैं। 21. प्रयत्न। उद्योग उत्साह प्रयत्न है, यह दो प्रकार का होता है। पहला, जीवन पूर्वक जो सोए हुए के प्राण अपान आदि को चलाता है और जागृत काल में अंतःकरण का इंद्रियों के साथ संयोग कराता है। दूसरा, इच्छा द्वेष पूर्वक हित के साधनों के ग्रहण में इच्छा पूर्वक प्रयत्न होता है और दुख के साधनों के परित्याग में द्वेष पूर्वक। 22 और 23. धर्म और अधर्म। वेद विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है, यह पुरुष का गुण है, कर्ता के प्रिय हित और मोक्ष का हेतु होता है। इसके विपरीत प्रतिषिद्ध कर्मों से अधर्म उत्पन्न होता है,
यह कर्ता के अहित और दुख का हेतु होता है। धर्म और अधर्म को अदृष्ट कहते हैं। 24. संस्कार, यह तीन प्रकार का होता है। पहला वेग, यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांच द्रव्यों में कर्म से उत्पन्न होता है और अगले कर्म का हेतु होता है। दूसरा भावना, यह अनुभव से उत्पन्न होता है, स्मृति और पहचान का हेतु है। विद्या, शिल्प, व्यायाम आदि में बार-बार के अभ्यास से इस संस्कार का अतिशय होता है। उसके बल से उस विषय में निपुणता आती है। तीसरा स्थिति स्थापक, अन्यथा किए हुए को फिर उसी अवस्था में लाने वाला संस्कार स्थिति स्थापक कहलाता है, जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़ने से फिर सीधी हो जाती है। संस्कार स्पर्श वाले द्रव्यों में रहता है। इन 24 गुणों में से रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण है, क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से निखेरते हैं और संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक, द्रवत्व और वेग संस्कार ये सामान्य गुण हैं, क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से नहीं निखेरते। 3. कर्म, चलना रूप कर्म है, यह पांच प्रकार का है। उत्क्षेपणम्, अवक्षेपणम्, अकुंचनम्, प्रसारणम्, गमन मीति कर्माणि। 1. उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना। 2. अवक्षेपण मतलब नीचे गिराना। 3. आकुंचन मतलब सिकोड़ना। 4. प्रसारण फैलाना। और 5. गमन, अन्य सब प्रकार की क्रिया, ये पांच कर्म है। मनुष्य के कर्म पुण्य पाप रूप होते हैं, महाभूतों के नहीं। ये कर्म भी 9 द्रव्यों में से किसी ना किसी द्रव्य के धर्म है। 4. सामान्य, किसी अर्थ की जो जाति है वह सामान्य है, जैसे वृक्ष की वृक्षत्व और मनुष्य की मनुष्यत्व जाति है। जाति बहुतों में एक होती है, जैसे सारे वृक्षों में वृक्षत्व जाति एक है। जो एक ही हो अथवा जो विभू हो उसमें जाति नहीं रहती, जैसे दिशा, काल, आकाश और आत्मा में। सामान्य के 2 भेद हैं, पर और अपर। एक व्यापक जाति जिसकी अवांतर जातियां और भी हो, जैसे वृक्षत्व, पर सामान्य कहलाती हैं। उसकी अवांतर जाति जैसे अमरत्व अपर सामान्य कहलाती है। अपर सामान्य को सामान्य विशेष भी कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य भी है और विशेष भी। जैसे अमरत्व सारे आम्रों में सामान्य है, किंतु दूसरे वृक्षों से आम्रों को विशेष करती है, इसलिए विशेष भी है। सामान्य विशेष सापेक्ष है, आम्रत्व आदि की अपेक्षा से वृक्षत्व पर सामान्य है और वृक्षत्व की अपेक्षा से आम्रत्व अपर विशेष है, किंतु वृक्षत्व भी पृथ्वीत्व की अपेक्षा से अपर है और आम्रत्व भी अपनी अवांतर जातियों की अपेक्षा से पर है। जिसकी आगे कोई अवांतर जाति न हो वह केवल अपर होता है, जैसे घटत्व आदि, और जिसकी व्यापक जाति न हो वह केवल पर ही होता है। ऐसी जाति केवल सत्ता है, जो सारे द्रव्यों, सारे गुणों और सारे कर्मों में होती है। सत्ता वह है जिससे सत सत इस प्रकार की प्रतीति होती है, अर्थात द्रव्य सत है, गुण सत है, कर्म सत है और सारी जातियां सामान्य विशेष हैं। किंतु इन द्रव्यत्व आदि जातियों में से हर एक जाति अनेक व्यक्तियों में रहती है, इसलिए प्रधानतया वे सामान्य ही हैं, किंतु अपने आश्रय को दूसरे पदार्थों से अलग भी करती हैं। इसलिए
गौणतया विशेष शब्द से कही जाती है, किंतु जो विशेष पदार्थ है वह इनसे अलग ही है। 5. विशेष, जैसे घोड़े से गौ में विलक्षण प्रतीति जाति निमित्तिक होती है और एक गौ से दूसरी गौ में विलक्षण प्रतीति का निमित्त रूप आदि या अवयवों की बनावट आदि का भेद है, इसी प्रकार योगियों को एक ही जाति गुण और कर्म वाले परमाणुओं में जो एक दूसरे से विलक्षण प्रतीति होती है उसका भी कोई निमित्त होना चाहिए। परमाणुओं में और कोई भेद असंभव होने से जो वहां भेदक धर्म है वही विशेष पदार्थ है। वह विशेष सारे नित्य द्रव्यों में रहता है, क्योंकि अनित्य द्रव्यों में और गुण कर्म आदि में तो आश्रय के भेद से भेद कहा जा सकता है, किंतु नित्य द्रव्यों में नहीं। इसलिए हर एक नित्य द्रव्य में एक-एक विशेष होता है, जिससे वे एक दूसरे से विलक्षण प्रतीत होते हैं और देश काल के भेद में भी यह वही परमाणु है। यह पहचान जो योगियों की होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है, अर्थात पहचान और विलक्षण प्रतीति किसी निमित्त से होती है, जैसे गौ में गौत्व जाति से और शुक्ल में शुक्लत्व गुण से, और वह निमित्त परमाणुओं में कोई और न होने से उनमें भी अवश्य कोई अलग ऐसा पदार्थ है जो पहचान और विलक्षण प्रतीति का निमित्त है, वही विशेष पदार्थ है। इस विशेष पदार्थ का पता इसी दर्शन ने लगाया है, इसीलिए इसको वैशेषिक कहते हैं। 6. समवाय, संबंध सदा दो में होता है, जैसे कुंडे और दही का संबंध है। इनमें से दही कुंडे से और कुंडा दही से अलग भी रहता है, ऐसे संबंध को संयोग कहते हैं। किंतु जो ऐसा घना संबंध है कि संबंधी न अलग अलग थे और न हो सकते हैं, जैसे गुण गुणी का संबंध, वहां संबंध को समवाय कहते हैं, अर्थात गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है। इसी प्रकार अवयवों में अवयवी क्रिया वालों में क्रिया, व्यक्ति में जाति और नित्य द्रव्यों में विशेष समवाय संबंध से रहता है। अभाव पदार्थ, पिछले वैशेषिक आचार्यों ने उपर्युक्त 6 भाव पदार्थों के अतिरिक्त अभाव भी एक अलग पदार्थ निरूपण किया है। अभाव 4 प्रकार का है, प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव प्राक भाव और नाश के पीछे उसका अभाव प्रध्वंसा भाव है। किसी वस्तु का नितांत अभाव अत्यंता भाव है और एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव अन्योन्या भाव है। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र के रचयिता का गोत्र नाम गौतम या गौतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण अर्थात विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु तत्व की परीक्षा न्याय है। प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान है। अनुमान में परीक्षा करके अर्थ की सिद्धि की जाती है। परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है, जैसे अग्नि की सिद्धि में जब यह प्रतिज्ञा की कि पर्वत में अग्नि है तो यह शब्द प्रमाण हुआ, जब रसोई का उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, जब जैसे रसोई धूम वाली है वैसे यह पर्वत धूम वाला है ऐसा उपनयन कहा तो यह उपमान हुआ। इस प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द इन सब प्रमाणों से परीक्षा करके अग्नि की सिद्धि की गई। इस प्रकार समस्त प्रमाणों के व्यापार से अर्थ का निश्चय करना न्याय है। न्याय सूत्र 5 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 2 आहनिकों में। इनमें षोडश पदार्थों के उद्देश्य तथा लक्षण परीक्षण किए गए हैं।